लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद 1 साल तक महिलाओं को किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी सामान्य हुई या ऑपरेशन से महिला के शरीर को रिकवर होने में 6 महीने का समय लग सकता है। यह एक तय सीमा नहीं है। अगर डिलीवरी के दौरान किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन का सामना किया तो महिला को रिकवरी में ज़्यादा समय लग सकता है। ज़्यादातर हम बात करते हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ हफ्तों तक अपना ख्याल कैसे रखा जाए, लेकिन आज हम बताएंगे उन सावधानियों और जरूरी टिप्स के बारे में जो आपकी डिलीवरी के 1 साल बाद भी काम आएंगे। डिलीवरी के 1 साल बाद ज़्यादातर महिलाएं अपनी नई जिम्मेदारी के साथ खुद को ढाल लेती हैं। वहीं कुछ महिलाएं 1 साल बाद भी मां बनने की जिम्मेदारी में खुद का ख्याल नहीं रख पाती। शिशु का स्तनपान करवाना ना भूलें। कुछ महिलाएं डिलीवरी के कुछ समय बाद ही शिशु को स्तनपान करवाना बंद कर देती हैं, लेकिन शिशु को कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद शिशु को ठोस आहार के साथ स्तनपान करवाना चाहिए। शिशु को स्तनपान करवाने से स्तन के कैंसर के खतरे से बचा जा सकता है। सॉरी, माँ और शिशु दोनों को स्वस्थ रखने के लिए स्तनपान की अहमियत को नजरअंदाज ना करें। स्ट्रेस फ्री रहने का प्रयास करें। डिलीवरी के बाद मैटरनरी लीव खत्म होने के बाद जब महिलाएं दोबारा काम पर लौटती हैं तो वह समय उनके लिए स्ट्रेस भरा हो सकता है। नई जिम्मेदारी और पुरानी जिम्मेदारियों के बीच में महिलाएं खुद को तनाव में पाती हैं। आपके लिए जरूरी है कि खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें, एक्सरसाइज करें और अपने हॉबी के लिए समय निकालें। सॉरी। कैल्शियम रिच फूड का सेवन करें। डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं में कैल्शियम की कमी नजर आने लगती है। इसे पूरा करने के लिए कैल्शियम रिच फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। महिलाएं डिलीवरी के 1 महीने बाद सामान्य डाइट लेने लगती हैं। भले ही आपकी शरीर डिलीवरी के कुछ वक्त बाद सामान्य अवस्था में आ जाए, लेकिन पूरी तरह से शरीर को रिकवर होने में समय लगता है। जो महिलाएं शिशु को स्तनपान करवाती हैं उन्हें खासतौर पर बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए। दूध, पालक, तिल के बीज, पनीर और बादाम आदि को डाइट में शामिल करें। पोस्टपार्टम केयर में इन टिप्स को फॉलो करें। महिलाओं को डिलीवरी के 6 महीने के बाद 1 साल बाद अपना आई चेकअप करवाना चाहिए। कुछ महिलाएं डिलीवरी के बाद आंखों में कमजोरी की शिकायत करती हैं, इसलिए चेकअप जरूरी है। डिलीवरी के 1 साल बाद दोबारा गर्भवती होने का ख्याल ना लाएं। दो बच्चों के बीच कम से कम 2 साल का अंतर होना चाहिए। माँ के शरीर को पूरी तरह से रिकवर होने में समय लगता है, इसलिए 2 साल का गैप जरूर रखें। शिशु के 1 साल के हो जाने के बाद आपकी जिम्मेदारियां कम होने के बजाय बढ़ सकती हैं। ऐसे में अनिद्रा से बचें। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेने का प्रयास करें। अगर आप शिशु को स्तनपान करवाती हैं तो बर्थ कंट्रोल पिल खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करना ना भूलें। आप कीगल एक्सरसाइज की मदद ले सकते हैं। वजन कंट्रोल करें। वजन घटाने के लिए डिलीवरी के 1 साल बाद का समय बिल्कुल सटीक है, क्योंकि डिलीवरी के बाद 6 महीने तक डॉक्टर महिलाओं को इंटेंस वर्कआउट करने की सलाह नहीं देते हैं। हालांकि 1 साल बाद आप हाई इंटेंस वर्कआउट, एरोबिक्स, कार्डियो, अन वर्कआउट कर सकती हैं। ये सही समय है जब आप एक्सरसाइज के जरिए डिलीवरी के बाद बड़े वजन को कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।